ये गाइस देहरादून से साइकिल चला के आ रहे हैं यहाँ से। और अभी कहाँ जाओगे आप? कहाँ आ गए यार हम? गाइस ये देखिए क्या नजारा है, क्या दिलकश नजारा है मेरे दोस्त। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ओ भाई। क्या यार, यहाँ का मशहूर चाचा चाची चंद्र ढाबा पाटल। यह है चीचम ब्रिज। यहाँ लिखा है एक समय में एक ही वाहन पार करें, पुल के ऊपर गाड़ी खड़ी करना ना करें। ये देखिए गाइस चीचम ब्रिज। हेलो गाइस, आई एम सचिन बाबा राइडर, आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। जय जय शिव शंकर, काटा लगे न कंकर, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। जैसे ही कल हम लांगसा हिक्केम और ये हम कल घूम के आ गए थे पहाड़ों पे, और हमने की मोनेस्ट्री जाना था तो टाइम नहीं मिला हमें जाने का, और फिर अब हम मोनेस्ट्री के निकल रहे हैं सुबह सुबह। गाइज अब गाड़ी साफ करते हैं और बैग पैक करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं की मोनेस्ट्री की तरफ। ओके गाइज, गाड़ी में पूरे मेरे तीनों बैग बन चुके हैं, अब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। चल आ रहा गाइज, फिलहाल और क्यों मोनेस्ट्री, और मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ अभी। क्या पिला रहे हैं? बटर टी गुरु जी, ब्लैक टी। ये क्यों मोनेस्ट्री में, ये रसोई इनकी, इसको गुरु जी क्या कहेंगे? काली चाय, हर्बल टी। हर्बल टी ये हमारे गुरुजी की मोनेस्ट्री के हर्बल टी देते हुए हमें, हमारी सेवा करते हुए। आ हा हा हा, ये वो वाला सीन हो गया जैसे हम बताते वहां पे जाते हैं गंगोत्री में बाबा की चाय पीने। हाँ चालू होगा ना, सही ना? ओके, ये वो वाला हो गया। ये देखिए यहाँ के नजारा की मोनेस्ट्री का। वाओ अल्टीमेट गाइस, मैं चाय ऊपर ही ले आऊं जो गुरुजी ने दी हमें। इसे ना चाय से गर्मी पैदा हो गई है, अब ठंड कम लग रही है हमें। की मोनेस्ट्री कितनी ऊंचाई पर है देख सकते हैं आप, कितनी ऊंचाई पर की मोनेस्ट्री। वो खड़ी हमारी बाइक्स। गाइस अब मिलते हैं आपसे किम्बर गांव। कौन सी जगह? अब हम जाएंगे और चीचम ब्रिज, जो बहुत लागत से बना है। चीचम ब्रिज देखने लायक है, कई करोड़ों की लागत से बहुत अच्छी जगह है वो। बारिश शुरू हो रखी है, फिर भी हम अपने रेनकोट पहन के जाएंगे धीरे धीरे, और बारिश थोड़ी हल्की हो रही है लेकिन हो तो रही है ना, ठंड भी है। ओके मिलते आगे आपसे। ये देख सकते हैं आप, ये है चीचम ब्रिज, बहुत ही करोड़ों की लागत से जो बना है। यहाँ लिखा है एक समय में एक ही वाहन पार करें, पुल के ऊपर गाड़ी खड़ी करना ना करें, खड़ी ना करें। ये देखिए गाइस चीचम ब्रिज, वाओ अल्टीमेट यार, अल्टीमेट।
बहुत ही प्यारा नजारा है। आई एम सचिन बाबा राइडर, मेरी वीडियो बनाते हुए यस। ये गाइस चीचम ब्रिज, ये गाइस देखिए कितने विशाल पहाड़ के बीचों बीच ये चीचम ब्रिज बना है। ये देखिए गाइस, वाओ ब्यूटीफुल नजारा। ये गाइस देहरादून से साइकिल चला के आ रहे हैं यहाँ से, और भी कहाँ जाओगे आप? ओहो क्या बात है, ये सोनम राणा जी हैं, ये देहरादून से काजा हैं, काजा से सीधा वे जाएंगे लद्दाख, क्या बात है। और भाई साहब आप भी साइकिलिंग करते हो? ओ भाई साइकिल पहाड़ों पे साइकिल चलाना, देखिए ये रही इनकी साइकिल, क्या बात है। बताओ कोई साइकिल भी कोई इतनी डैन वो नहीं है, कोई महंगी वाली, बस आम साइकिल है, ये हल्की फुल्की साइकिलें हैं यार। गाइस इनकी हिम्मत है, देहरादून से लद्दाख जा रहे हैं यार, कमाल है। देहरादून से कितने दिन में पहुंच जाते हो? देहरादून से 7 दिन हो गए भाई। अच्छा देहरादून से 7 दिन तक काजा पहुंचे हैं, पहाड़ चढ़ते चढ़ते अपना देहरादून लद्दाख ना जाने कहां का चले जाते हैं। और हम और हमारे गाइस ये देखिए बाइकों पे जा रहे हैं, वाह क्या बात है। तो गाइस आगे चीचम ब्रिज है और किब्बर ब्रिज उस तरह उस साइड में, अब देखते हैं हम या आगे चलते हैं चीचम ब्रिज या फिर किब्बर। गाइस ये है चीचम विलेज, मतलब चीचम गांव, जो अभी हम पीछे पुल से आए हैं। ये देखिए छोटा सा गांव है, ये देखिए गाइस छोटा सा गांव है ये, 1 2 3 4 5, अब इसको क्या गिनती करूँ, 20-25 से ज़्यादा घर नहीं होंगे, 100-150 लोग ही होंगे बस इस चीचम विलेज में। ये देखिए कितना शानदार है, वाह वाह ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरती है इन पहाड़ों में, और इन पहाड़ों के बीचों बीच में ये चीचम विलेज, वाह मान गए। अब गाइस अब ये रास्ता जा रहा है लोसर की तरफ, लोसर ये देखिए क्या खूबसूरती है, वाह। तो किम्बर गांव था, वहाँ नहीं जा पाए हम टाइम की कमी से, क्योंकि आज हमें चंद्रताल पहुँचना है और रास्ते बहुत ही ख़राब है वहाँ के, ऑफ राइड है, वाटर क्रॉसिंग भी होती है, इसलिए हमें किम्बर ब्रिज का कैंसिल करना पड़ा, किम्बर गांव का, सॉरी गाइस। जिस तरह का ऐसे चीचम गांव है इस तरीके से वही गांव है। अब चलते हैं लोसर की तरफ। ये गाइस देखिए ये चीचम गांव से थोड़ी सी आगे, 2 किलोमीटर से 2 किलोमीटर आगे ये याक ही याक है, यहाँ पर बहुत सारी याक, ये देखिए ऊपर या सामने। गाइस यहाँ से लोसर 34 किलोमीटर है, कैलाश राइडर जाते हुए। गाइस अभी 10-11 बजे का टाइम ही है, 10 या 11 बजे ही होंगे, और ठंड बहुत ज़ोरों से लग रही है, धूप का तो नामो निशान नहीं है बिल्कुल भी। आप आज लोसर विलेज ये सामने है, आगे 2 किलोमीटर की दूरी पर या 3
तीन किलोमीटर है लोसर, और ये भी लोसर की हद में आता है, छोटा सा गांव जो है। गाइस, अगर काजा से आप इस रास्ते से आओ लोसर की तरफ, चंद्रताल की तरफ, अभी तक तो मुझे कोई चाय पानी बिस्कुट्स कुछ भी हो, खाना पीना कोई दुकान नहीं मिली मुझे। अगर कभी आप आना चाहो काजा से लोसर की तरफ, तो अपना ब्रेड पकौड़ा जो भी पराठा आप अपने साथ लेके आए, क्योंकि 55 किलोमीटर है काजा से लोसर, और अभी तक हमें कोई चाय वाय कुछ नज़र नहीं आई है। अभी देखेंगे गाइस, अगर इस छोटे से विलेज में, लोसर गांव में, अगर कोई चाय की दुकान होती हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वाह, बैडमिंटन खेल रहे हो आप यहाँ तो लोसर गांव में? अच्छा, हम दिल्ली से आए हैं, काजा से होते हुए इधर जाएंगे चंद्रताल। क्या बात है, यहाँ के लड़के भी भाई मजे ले रहे हैं बैट बॉल खेल के। क्या बात है भाई, आखिरकार सबका मन है। थैंक यू, हेलो, यस। इधर होम स्टे है गाइस, अगर आप यहाँ रुकना चाहो तो गाइस यहाँ पर होम स्टे भी हैं। लोसर गांव से बाटल हो जाएंगे। गाइस देखिए, यहाँ भी कुछ नहीं खुला हुआ है, चाय नाश्ता यहाँ पर भी नहीं है। गाइस ये देखिए मेन लोसर, मैन होम स्टे है, लेकिन सब बंद पड़ा है इस टाइम। अभी थोड़ा बहुत है खुला हुआ, एक दो घर। गाइस ये रास्ता कैसे बंद है? पीछे कौन सा उधर ही अपना काजा? ओह माय गॉड, ये तो भाई दिक्कत, ये तो बहुत दिक्कत हो गई है, बात करो यार। गाइस हम लोसर में आए हैं और यहाँ पर चेक पोस्ट पे रास्ता बंद करा हुआ है, आगे नहीं जाने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बिल्कुल पीछे से घूम के जाना पड़ेगा काजा से, हमें तो दिक्कत हो जाएगी। गाइस देखते हैं क्या बात होती है। अभी बात चल रही है, पुलिस वाले से बात करिए इन्होंने से, ये अभी आगे फ़ोन कर रहे हैं आगे जाने के लिए। बहुत ही टेंशन हो जाएगी अगर नहीं जा पाए तो। गाइस अभी मेरे एंट्री कर दिए और जाने के लिए हमें बोल दिया है, वो कह रहे हैं सारे ग्रुप में जाना आगे 25 किलोमीटर चाचा चाची का ढाबा है, उससे आगे थोड़ा डिफिकल्ट रोड है और वाटर क्रॉसिंग है, पथरीले रोड हैं। गाइस हम आए हैं अभी कुंजुम पास, जो लोसर चेक पोस्ट है, वहाँ पर जहाँ हमें रोका था उससे आगे हम आए कुंजुम पास। फिर उसके बाद आएगा अपना बाटल, गाइस देख लीजिए कैसे कैसे रास्ते हैं। वाओ, कुंजू पास सिर्फ एक दो किलोमीटर है, बाकी कुंजू पास की हद में हम। लोसर चाकपुर से कुंजुम पास 10 किलोमीटर, और अभी बाटल भी है, बाटल जाना है और चाची चाचा का ढाबा वो भी दिखाना आपको।
ये देखिए गाइस, बिल्कुल चोटी पे पहुंच गए हम। स्पीति वैली लोसर कुंजुम पास। ये ग्लेशियर पिघलते हुए, क्या बात है भाई, गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही है मेरी बाइक। ये हमारी थार बर्फ़ के ऊपर चढ़ी हुई है और फोटो खिंचवा रहे हैं भाई। ये लो जी, बर्फ का गोला। कुछ पास पहुंच ही गया आखिर, थोड़ा सा। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, क्या यार। हाँ गाइस, देख लीजिए बर्फ ही बर्फ, आखिरकार हम बर्फ के चोटियों पर पहुंच ही गए। ये है कुंजुम पास। गाइस, सोचा भी नहीं था कि हम जिंदगी में यहां पर आएंगे। ऐसे चोटियों के पहाड़ों पे हम अपनी बाइक चलाएंगे। थैंक यू स्पीति। थैंक यू मेरी बाइक। हाँ भाई, और थैंक यू मेरे परमात्मा महादेव। जय हो। क्या नजारा है। गाइस ये देखिए, क्या नजारा है, क्या दिलकश नजारा है मेरे दोस्तों। आंखें भी चिंतित आ रही है ये वाइट वाइट बर्फ देख के। कैलाश जी ऊपर जाते हुए। गाइस ये देखिए कुंजुम टॉप, ये कुंजुम टॉप ऊंचाई 4590 मीटर। वाओ, अरे आधा माता मंदिर है यार। हाँ, जय मेरी माता, माता का मंदिर है यहाँ पर, जरूर मत्था टेकेंगे यहाँ पर हम। क्या बात है यार, कहाँ आ गए यार हम। वाकई जिंदगी सफल हो गई हमारी यहाँ पर आके जिंदगी। बहुत ही लाजवाब नजारे, क्या बात है जगत, क्या बात है। ओके यार बेहतरीन। यह माता, यहाँ पर माता का मंदिर है कुंजुम पास में। ये देखिए
क्या अल्टीमेट नज़ारे हैं, क्या बात है। ये देखिए कुंजुम पास और ये कुंजुम माता मंदिर। ये जो माता है इन्हीं के वजह से ही यहाँ के लोग जीवित हैं और यहाँ सुरक्षित हैं, रहते हैं। अगर जो कोई यहाँ से दर्शन करके जाएगा उसकी ही मनोकामना पूरी होगी, आगे वही जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता, ऐसा यहाँ पर कहते हैं, ये कहावत है यहाँ पर। और सचिन बाबा राइडर माता के चरणों में अपना शीश नवाते हुए, माथा टेकते हुए, माता रानी सभी राइडर्स की, सभी राइडर से, किसी भी राइडर से कोई भी गलती भूल चूक हुई हो उसे माँ क्षमा करना और माँ सबकी यात्रा सुखद बनाना। माँ बोलो कुंजुम माता की जय। लग रही थी और अभी बर्फ खाई है। आते यार कहाँ जन्नत में पहुंचा दिया मेरे भोले बाबा आपने, कहाँ जन्नत में। जिंदगी में नहीं आ सकती हम कभी भी, मरते 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 जीते अपनी आपकी एक ही आ रही एक ही बार और आप बुलाओगे तो फिर दोबारा आएंगे आएंगे। जय मेरे भोले बाबा कहाँ जन्नत में हमें अपनी जगह दे दी। वाह भी वाह कुंजुम पास, कुंजुम माता के दर्शन करके बहुत ही आनंद आया। और अब आगे जाएंगे हम बाटल, बाटल में अब कितने इतने भार पैर डूबेंगे वो भी दिखाएंगे आपको हम आगे चल के। और चाचा चाची का भी ढाबा आने वाला है, वहाँ पर हम खाना खाएंगे। ओके गाइस मिलते हैं आगे। गाइस अभी कुंजुम पास से हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं, 5 या 7 किलोमीटर आगे आगे हम, और बर्फ़ का एरिया भी काफ़ी ख़त्म हो चुका है। बहुत ही डिफ़िकल्ट रोड थे यार, बहुत ही डिफ़िकल्ट रोड, बहुत ही गंदे वाले ऑफ रोड। क्या बात है, चमकीली धूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे भाई इनसे, ये तो लकड़ी वाले पुल से इतना डर लगता है। थैंक गॉड, शायद ये चाचा चाची का ही वो होगा ढाबा यहाँ पर, पारसोल कैम्प चंद्रताल रवि प्रोफेसर घर, ये चंद्र ढाबा। तो गाइस हम बाटल पहुंच चुके हैं, यहाँ पर रुकने की जगह है चाचा चाची। तो ये है यहाँ का मशहूर चाचा चाची चंद्र ढाबा बाटल। तो यहीं हम आज का स्टे यहीं है, है जगह है ये विश्राम ग्रह, ये अभी नहीं चलाई जगह है, मिल जाएगा कैंपिंग कैंप मिल जाएगा। पीछे पीछे चाचा चाची आपके हम पैर छुएंगे और फिर दाल चावल खाएंगे। जय हो चाचा का है, अरे चाचा अरे सचिन बाबा है चाचा। चाचा बहुत दूर से हम आपसे मिलने, स्पेशल ये समझ लो मरते कटते गिरते पड़ते आए पूछ गए और जल्दी दाल चावल खिला दो बढ़िया से, बढ़िया मजा आ गया भाई।
कर दूं बंद। तो गाइस अभी आपसे दाल चावल खा के मिलते हैं और आज का स्टे यहीं चाचा चाची के पास ही होगा। इनके हट ये झोपड़ी जो बनी है महल। हाँ यहाँ पर ही महल से कम नहीं है। जगह महल से कम नहीं है। इनकी भी हिम्मत है जो यहाँ पर उन्होंने इतना कुछ यहाँ पर इंतजाम करा हुआ है। तो गाइस हमारा यहीं पर रुकने का डिसाइड हुआ है, यहीं स्टे करने का। अगर हमें गाइस ये अच्छा लगा तो हम यहीं आज स्टे करेंगे इग्लू में। ये देखते हैं इग्लू कैसा है। ओह गाइस ये है इग्लू का नज़ारा, ये देख सकते हैं। वैसे तो गाइस इसमें आराम से 10 बंदे आराम से सो जाएंगे हम। देख लीजिए गाइस ये इग्लू था। और अभी आगे देखते हैं, उधर कैंपिंग है शायद, कैंप पे वो अच्छा लगे हमें। गाइस आपको एक बार बता दूं, काजा से ये बाटल करीबन 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप वहाँ से सुबह जल्दी निकलते हो, 10 बजे भी निकलते हो, आप यहाँ शाम को 4 बजे तक पहुँच जाओगे आराम से काजा से। और कोई घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर स्टे भी है, खाना पीना भी है, आराम से आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब गाइस यहाँ पर हमने लिए हैं कैंपिंग 1, 2, 3। ये गाइस ये 3 कैंप लिए हमने। ओके गाइस